टू माई चैनल। सो आप सब कैसे हो? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस बारिश का मज़ा लेते होंगे, क्योंकि इस बारिश में सबके घर में पकौड़ा बनता होगा और पकौड़ा चाय खाते होंगे। मैं भी एक दिन बनाई थी पकौड़ा इस बारिश में, उसके बाद तो मैं बीमार पड़ गई, उसके बाद तो मैं बिजी हो गई, इसीलिए नहीं मैं बना पा रही हूँ। कोई ना, बनेगा बनेगा, जल्द बनेगा। तो गाइज, आज मैं जाने वाली हूँ स्टेडियम शाम में, क्योंकि आज मैं स्टेडियम का कपड़ा पहनी हुई हूँ, देख सकते हैं आप। क्योंकि कल मैं गई थी ना, मतलब कि नॉर्मल ड्रेस में गई थी, तो मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था, मुझे भी दौड़ने का मन कर रहा था, लेकिन मैं दौड़ नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। क्योंकि लाइब्रेरी से गई थी स्टेडियम, मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी रास्ते में, तो मैं सोच रही थी कि जाऊं कि नहीं जाऊं, फिर मैं बोली कि मैं जाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा। मेरा यही थॉट है कि मैं जो काम, मतलब मेरा यही थॉट है कि जो मैं काम करती हूँ ना, वो मैं बोलती हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, क्या कर लेगा कोई, है कि नहीं? बात तो सही है भाई, मैं जो भी बोलती हूँ वो 100% राइट बोलती हूँ। तो मैं कल गई थी, इतना कंफर्टेबल लग रहा, अनकम्फर्टेबल लग रहा, इतना अनकम्फर्टेबल लग रहा था। फिर मैं सोची कल मैं ड्रेसअप में आऊँगी और मैं कल प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि मैथ क्लास कल और आज बंद है, बंद था, कल बंद था, आज बंद है, क्योंकि वो पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट है। तो क्या मैं बोलूँ, बहुत मैं देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है मेरे लिए। पता है कल मैं 2.5 घंटा कैरम बोर्ड भी खेली, बहुत मज़ा आया। पता है मैं हार रही कल, परसों मैं जीत रही थी, कल मैं हार रही थी, क्योंकि एक भैया और आ गए थे, क्योंकि मैं पिला ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं बस 10 रुपया या 20 रुपया क्यों मेरे में नहीं आता था। बोले कि लोग मैं ले के रहूँगी, तो मैं ले, लास्ट में मैं ले ली क्यों, मतलब कि ऐसा माली ना, इधर क्यों भी पीला और इधर 20 भी पीला। तो किसी को किसको कैरम बोर्ड खेलने में मज़ा आता है वो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और अपना प्यार दीजिएगा। तो फिलहाल मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, उसके बाद मैं लैब, मतलब उसके बाद मैं आज 1 ही घंटा कैरम बोर्ड खेलूँगी, फिर उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाऊँगी, फिर उसके बाद मैं स्टेडियम जाऊँगी, क्योंकि मेरा दिन भर का यही रूटीन रहता है गाइस, क्या करूँ, इतना मतलब कि नहीं बता सकता, सकते अपना फीलिंग्स, बात को समझिए आप, ठीक ना गाइस? मिलते हैं अब ब्रेक के बाद, ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं आज का दिन मेरे लिए कैसा रहता है। मेरे लिए अभी खिचड़ी बन चुका है, इतना सवेरे मम्मी को मैं बोली थी कि गर्मा गर्म खिचड़ी खाने में मज़ा जो आता है, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा, मजा लेना चाहती हूँ। मुझे मिला है इसको चोखा बनाने के लिए, तो चलिए गाइस चोखा इसका बनाते हैं और खा के निकलते हैं। गाइस आ जाइए, आज सैटरडे है और खिचड़ी या चोखा खाने के लिए आ जाइए, ये बिहारी अंदाज में है तो आ जाइए, इसमें पापड़ तिलौरी रहता तो और अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, इसलिए खिचड़ी या चोखा खा के चलाना पड़ेगा काम, ठीक है गाइज चलिए खाते हैं। ये देखिए गाइज, काली घाट का मैं कॉलेज ही से वीडियो बनाई, तो देखिए कितना पानी भर गया है काली घाट में पूरा, ये मेरा कॉलेज का बाहर का लुक और ये काली घाट, तो ये देख सकते हैं गाइज मैं कैरम बोर्ड खेल रही हूँ कॉलेज के बाद,
कॉलेज ख़त्म होता है तो जैसे ही मैं एक 1 आवर के लिए कैरम बोर्ड खेलने चली जाती हूँ। अंकल एक अंकल है, अंकल के साथ फ़िलहाल मैं अभी फ्रेंड के साथ खेल रही हूँ अपने, फिर बाद में मैं अंकल के साथ भी खेलती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और अंकल हम सबको गाइड कर रहे हैं, ठीक ऐसे ऐसे पिलाना है, ऐसे ऐसे पिलाओ, पूरा देख सकते हैं आप। और बहुत ही मज़ा आ रहा था कैरम बोर्ड खेलने, क्योंकि हमको गेम खेलना अलग अलग बहुत मज़ा आता है। और देख सकते हैं आप कितने मज़े से मैं खेल रही हूँ गेम। तो गाइस देख सकते हैं मैं घर आने के बाद चूरा मिक्सचर खा रही हूँ। तो किसको किसको पसंद है चूरा और मिक्सचर खाने मेरे जैसा, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए गाइस मिक्सचर और चूड़ा खाइए, और आप सब भी, और मैं भी खा रही हूँ। तो आ जाइए गाइस मिक्सचर चूड़ा खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है मिक्सचर चूड़ा, क्योंकि मैं हमेशा खाती हूँ मिक्सचर चूड़ा नाश्ता में। अभी रात हो गया, कोई बात नहीं, तब पर भी मैं खाती हूँ। गाइस आज मेरी को खाना बनाना है, मम्मी बोली है कि तुम ही बना दो आज, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है। तो ठीक है गाइस चलिए बना देती हूँ। मम्मी का भी थोड़ा बात मानना भी चाहिए, क्योंकि मम्मी हमारे लिए इतना सब कुछ करती है, तो मैं मम्मी के लिए खाना नहीं बना सकती, ज़रूर बना सकती हूँ। तो ठीक है गाइस मिलते हैं रोटी बनाकर उसके बाद।